इवनिंग एवरीवन। तो हम शुरू करते हैं आज अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो हमने 10th क्लास में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। लेंसेज प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार प्रतिबिंब बनाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। मानव नेत्र जो होता है उसमें भी एक प्राकृतिक लेंस मिलता है, तो वो लेंस भी अपवर्तन के आधार पे ही कार्य करता है। तो वो कैसे कार्य करेगा वो हम पढ़ते हैं। देखो, ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और वो जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो किसी न किसी चीज़ को सेंस करती हैं, तभी इनको हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। ये हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती हैं, मतलब क्या, बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है इन सब का ज्ञान करवाती है कौन, ज्ञानेंद्रियाँ। जैसे हम देखते हैं चीज़ों को, देखते हैं तो हमारी आँखें प्रकाश को सेंस कर सकती हैं, हमारे कान साउंड को सेंस कर सकते हैं, मतलब ध्वनि को सेंस कर लेंगे, या हमारी त्वचा तापमान को सेंस कर सकती है, या हमारी जीभ टेस्ट को सेंस कर सकती है, मतलब जीभ हमें बता देगी कि नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है। ध्वनि सुन के हमारे कानों से, जब हम कानों में ध्वनि पड़ती है तो पता चल जाएगा कि ये ध्वनि किसकी है, मतलब हमारे कान के अंदर ऐसी कोशिकाएं हैं जो ध्वनि को सेंस कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही आँखों में कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो प्रकाश को सेंस कर सकती है, मतलब हमारी आँखें प्रकाश को सेंस करती हैं, प्रकाश के आधार पर ही कार्य करती हैं हमारी आँखें। तो शुरू करते हैं। देखो भी इस पाठ में हमने पढ़ना है मानव नेत्र और बहुत सारी घटनाएं जो अपवर्तन के आधार पर कार्य करती हैं। कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो अपवर्तन पर कार्य करती है, जैसे तारों का टम टिम 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 टिमाना, या ये सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हम इस पाठ में सारी पढ़ेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं मानव नेत्र से कि मानव नेत्र की संरचना क्या है, उसकी बनावट क्या है और वो काम कैसे करती है, ये हम पढ़ते हैं। देखो भाई, मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र पूरा एक गोल बॉल की तरह है। ये जैसे हमें बाहर जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको ये मत समझना कि बाहर बस ये इतना ही हिस्सा, नहीं, ये पूरी बॉल की तरह गोल है। और ये जो जो हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर एक ये जो हिस्सा है अंदर, एक इसको बोलते हैं आई सॉकेट, मतलब अंदर एक गड्ढा सा है जिसमें आपको फिट कर दिया है, इसमें ये आई बॉल फिट है, नेत्र गोलक पूरा का पूरा अंदर फिट है इसके। और इस नेत्र गोलक के पीछे, मान लो ये नेत्र गोलक है, तो इस नेत्र गोलक के पीछे ऐसे मांसपेशियां हैं जो इसको इधर इधर ऐसे घुमाती रहती हैं अंदर से, तभी तो हमारी आंखें ऐसे ऐसे इधर उधर घूम सकती हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से मांसपेशियों ने इसको पकड़ा हुआ है जो इसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे घुमाती है, मतलब ये पूरी बॉल की तरह है। तो इस नेत्र गोलक के जो मुख्य भाग हैं हमारी आंख के, कौन कौन से हैं, जैसे कॉर्निया, पुतली, लेंस, प्रीतारिका, पक्षमाली पेशिया, रेटिना, ठीक है, ये मुख्य भाग है। अब ये जो भाग है, मतलब ये जो आंख के अलग अलग पार्ट मैंने बताए, इनका क्या कार्य है, ये क्या क्या का काम करते हैं। देखो, सबसे आगे वाला भाग जो हमें दिखाई देता है आंख का, ये एक ट्रांसपेरेंट सा पार्ट होता है, मतलब पारदर्शी भाग है, जिसको बोलते हैं कॉर्निया। देखो ये वाला हिस्सा हमें बाहर से दिखाई देता है कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट है। उसके अंदर जो इसके अंदर जाएंगे तो हमें ये जो चीज है, ये वाली, ये जो साइड में दिख रही है आगे, इसको बोलते हैं प्रीतारिका। प्रीतारिका देख, तो बीच में जो ये ब्लैक सा पार्ट दिखाई देता है ऐसे है ये, तो इस ब्लैक पार्ट के बाहर जो दिखती है ये वाली, ये प्रीतारिका। प्रीतारिका चारों तरफ है ऐसे, ये मत समझना कि एक ही साइड है, इसमें तो एक ही साइड दिखाई दे रही है, ये प्रीतारिका चारों तरफ है इस तरह से। जो ये व्हाइट सा पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और बीच में जो ये ब्लैक सा पोर्शन जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो प्रीतारिका है, आंखों का रंग जो होता है वो इस प्रीतारिका के कारण ही होता है। प्रीतारिका ये सिकुड़ भी सकती है और फैल भी सकती है। और बीच में जो भाग दिखाई देता है हमें, जो भाग हमें दिखाई देता है, देखो ये जो काला भाग है, इस काले भाग के अंदर एक और छोटा सा काला भाग आपको दिखाई देगा,
तो वो जो छोटा सा पोर्शन है अंदर उसको बोलते हैं पुतली, ठीक है। मतलब ये जो पोर्शन है, ये आंख, ये वाला बीच वाला, इसको पुतली कहते हैं। और पुतली के साइडों में जो दिखाई देते हैं जो वो होती है परितारिका, ठीक है। पुतली के साइज को नियंत्रित करती है कौन? परितारिका। पुतली का साइज मतलब बीच में जो ये भाग है, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसको छोटा या बड़ा करने का काम कौन करता है? ये करती है परितारिका, ठीक है। उसके बाद लेंस जो होता है, ये वाला लेंस, ये उत्तल लेंस होता है। आंख में प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस मिलता है। उत्तल लेंस का हमें पता है कि उत्तल लेंस एक इन्वर्टेड मतलब उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, वास्तविक तथा उल्टा। और ये जो चीज है जो इस लेंस को पकड़े हुए, देखो साइडों में ये वाली चीज है, इनको बोलते हैं पक्ष्माभिपेशिया। ये पेशिया है, ये क्या कर सकती है? ये लेंस को खींच सकती है, मतलब लेंस को पतला भी कर सकती है और उसको मोटा भी कर सकती है। तो ये क्या है? पक्ष्माभिपेशिया। ये क्या मैंने कहा? परितारिका। परितारिका दोनों साइड में है, बीच में क्या है? पुतली, ठीक है भाई। और ये जो बीच में स्पेस है, इसमें एक जेली लाइक मटेरियल भरा होता है, मतलब एक द्रव पदार्थ भरा होता है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं काचाभ द्रव। एक द्रव इस लेंस के और कॉर्निया के आगे जो ये जगह है इसमें भी भरा होता है, इसको बोलते हैं नेत्रोद। यानी क्या कार्य, इन सभी के कार्य मैं बताऊंगा, पहले देख लो। इसके पीछे वाली जो परत है, ये वाली परत, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल सबसे मुख्य भाग है आंख का, रेटिना या दृष्टि पटल, ठीक है भाई। और यहां से यहां ये जो निकलती है, ये होती है दिक् तंत्रिकाएं, मतलब आंख से जो तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं उनको बोलते हैं दिक् तंत्रिकाएं। तो ये इस प्रकार ये इसकी संरचना है आंख की। ये एक नेत्र गोलक के रूप में है। सबसे आगे वाला भाग जो है कॉर्निया है, उसके बाद ये जो है परितारिका। परितारिका देखो, ये जो काला सा भाग दिखाई दे रहा है ना, ये काले के अंदर एक और काला है, वो काले के अंदर एक और जो काला दिखाई देता है वो होती पुतली, और जो ये बड़ा सा काला जो भाग है ये होता है परितारिका, ठीक है भाई। परितारिका और ये पुतली लेंस के क्या कर रही है अभी मैं बताता हूँ। और पक्ष्माभिपेशिका ने क्या कर रखा है? लेंस को पकड़ रखा है दोनों साइड से। यहाँ पे द्रव पदार्थ भरा हुआ है, यहाँ भी द्रव पदार्थ भरा हुआ है। ये तो होगी इसकी संरचना, मानव नेत्र की संरचना। अब इनके कार्य पढ़ते हैं, कार्य विधि की, मानव नेत्र कार्य कैसे करती है। देखो, जब प्रकाश आता है मानव नेत्र में, जब प्रकाश आएगा तो ये जो पारदर्शी भाग है जिसको बोलते हैं कॉर्निया, इसमें से प्रकाश अंदर जाता है। यहाँ देख लो, ये समझो, ये जो प्रकाश आया ये इस कॉर्निया से जाएगा। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया पारदर्शी भाग है, तो थोड़ा बहुत अपवर्तन तो ये भी करेगा। हमें पता है कि कोई भी ऐसी चीज जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जब ये पारदर्शी है तो माध्यम तो अलग हो गया ना, तो प्रकाश जब इससे इसमें जाएगा तो थोड़ा बहुत अपवर्तन तो ये करेगा। और ये भी देखो उत्तल है, तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, किरणों को एक जगह पे केंद्रित करेगा। उसके बाद प्रकाश की किरण जाएगी इसमें, इस लेंस में। लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? वो भी कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब प्रकाश की किरणों को एक केंद्र पे केंद्रित कर देगा। तो ये लेंस प्रकाश की किरणों को एक केंद्र पे केंद्रित कर देगा। तो ये कहां केंद्रित होगा? इस परत पे। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। तो प्रतिबिंब बन जाएगा इसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। तो प्रकाश की किरण जब आई कॉर्निया के ऊपर, थोड़ा बहुत अपवर्तन उसने किया। हालांकि अपवर्तन जो इसके अंदर द्रव है वो भी करता है, जो इसमें भरा हुआ है और इसमें भरा हुआ है, अपवर्तन का कार्य थोड़ा बहुत वो भी करते हैं, लेकिन मुख्य जो भाग है अपवर्तन करने वाले वो है कॉर्निया और लेंस। तो प्रकाश की किरण कॉर्निया से होती हुई जाएगी पुतली में। पुतली मतलब क्या है? पुतली तो एक छेद है, गोल सा छेद है, जिसमें से प्रकाश लेंस पे गिरता है। लेंस क्या करेगा? लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करेगा और वो जाके दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब बनाती है। हमें पता है कि उत्तल लेंस होता है वो प्रतिबिंब हमेशा
वास्तविक और उल्टा बनाता है, तो यहाँ भी प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें वस्तुएं उल्टी तो दिखाई नहीं देती, हमें तो वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। उसका कारण क्या है? जब प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा रेटिना पे, तो ये जो दिक तंत्रिकाएं हैं, तो ये दिक तंत्रिकाएं उस प्रतिबिंब को पहुंचा देगी किसको? मस्तिष्क में। लेकिन मस्तिष्क में ऐसा तो है नहीं कि प्रतिबिंब तैरता हुआ जा रहा है, नहीं, वो प्रतिबिंब जाएगा इंपल्स के रूप में, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में, कुछ जो ये समझ लो कि विद्युत तरंग के रूप में जाएगा उनके पास। कैसे जाएगा? जब प्रतिबिंब इस पे बनेगा तो इस रेटिना में दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक होती है शंकु कोशिका और एक होती है स्तंभ कोशिका, रोड सेल और कोन सेल। तो वो रोड सेल और कोन सेल वो क्या क्या करती है? वो इनिशिएट हो जाएंगी, मतलब ये समझ लो उनको उत्तेजना मिल जाएगी और वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा करेंगी। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब है भाई कोई विद्युत इंपल्स जनरेट करेगी, विद्युत का कोई ये समझ लो झटका पैदा करेंगी, और वो जाएगा दिक तंत्रिकाओं से होता हुआ कहाँ? मस्तिष्क में। मस्तिष्क फिर उस प्रतिबिंब को सीधा करेगा और वस्तु हमें सीधी दिखाई देगी, ठीक है भाई। अब देखो मैंने बताया कि कॉर्निया का कार्य क्या है, अब आता है ये पुतली जो है, पुतली क्या है? परितारिका के बीच में जो जगह है, देखो ये पुतली है और ये ऊपर क्या, ये पेशियां है, कौन सी? परितारिका। ये परितारिका क्या करती है? देखो जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं, जब प्रकाश अधिक होता है तो वो प्रकाश हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो उस समय हमारी आंखों में अधिक प्रकाश नहीं जाना चाहिए। तो ये पुतली का साइज, ये जो साइज है इस गोलाई है इसकी, ये कम हो जाएगी। कम कौन करेगा? कम करने वाली है ये पेशियां जो ये साइड में है, जिनका नाम है परितारिका। तो परितारिका क्या करती है? परितारिका सिकुड़ती है, जिससे क्या होगा, इस पुतली का साइज कम हो जाएगा अधिक प्रकाश में। जब हम जाएंगे मंद प्रकाश में, जहां पे प्रकाश अधिक नहीं है, वहां पे लाइट कम है, तो लाइट अधिक से अधिक लेने के लिए ये पुतली का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये भी कौन करेगा? परितारिका। तो कहने का मतलब क्या है? परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, उसको बड़ा भी कर सकती है और उसको छोटा भी कर सकती है। अगर हम अधिक प्रकाश में जाते हैं तो पुतली का साइज कम हो जाएगा, ताकि अधिक प्रकाश हमारी आंख में ना जाए, और जब हम कम प्रकाश में जाते हैं तो पुतली का साइज बढ़ जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जो भी अवेलेबल है, जितना भी है वहां पे, वो अधिक से अधिक हमारी आंखों में पहुंच जाए। तो ये प्रश्न पेपर में आया है भाई, 5 नंबर का, इस साल से पिछले साल में आया था कि कॉर्निया का कार्य, पुतली का कार्य, परितारिका का कार्य, पक्षमायी पेशियों का कार्य और रेटिना का कार्य क्या, एक एक नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, जिसमें ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ रखे थे 5 नंबर में। तो पुतली का कार्य क्या होगा? यह आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है, ठीक है, लेकिन पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। ये बात याद रखना, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है और पुतली फिर आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है। लेंस क्या करता है? लेंस मुख्य अपवर्तन का कार्य करता है, मतलब प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे मिला देगा रेटिना पे, और रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाएगा, मतलब अपवर्तन का कार्य कौन करता है? लेंस। पक्षमाभि पेशियां क्या करती है? पक्षमाभि पेशियां इस लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकती हैं। कैसे? देखो कोई भी लेंस जब ऐसे होगा, इस प्रकार से इतना पतला होता है, कोई भी लेंस इस प्रकार पतला होता है तो उसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, और जो भी लेंस ऐसे होगा अधिक वक्राकार, तो उसकी फोकस दूरी कम होती है। लेंस को ऐसे बड़ा या ऐसे करने का कार्य किसका है? इन पक्षमाभि पेशियों का है। जब ये पक्षमाभि पेशियां रिलैक्स होती हैं, मतलब सिकुड़ती नहीं है, सिकुड़ने में फैल जाती है, मतलब रिलैक्स होती हैं अपने नॉर्मल साइज में, तो उस समय लेंस कैसा होता है? लेंस ऐसा होता है भी, और इसकी फोकस दूरी अधिक होती है, ठीक है। और लेकिन जब ये पक्षमाभि पेशियां सिकुड़ जाती है तो लेंस ऐसा हो जाएगा,
अधिक वक्राकार, जिससे क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा, यह अधिक वक्राकार होने से प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ेगा, केंद्रित ज्यादा करेगा, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी फोकस दूरी कम है, इसकी अधिक है, तो पक्ष मांसपेशियां क्या करती हैं, लेंस के साइज को नियंत्रित करती है, या ये कह सकते हो कि लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है कौन, पक्ष मांसपेशियां। मैंने लिखा है पीत बिंदु, पीत बिंदु क्या है, देखो रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब, मुख्य परत है, दृष्टि पटल भी बोलते हैं रेटिना को, इस पे बनता है प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा। पीत बिंदु क्या है, पीत बिंदु रेटिना पे एक ऐसा बिंदु है जहां पे प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है, सबसे स्टीक बनता है, उसको बोलते हैं पीत बिंदु। और ये बिंदु बिल्कुल सीध में होता है, किसके, लेंस के बिल्कुल सीध में होता है पीत बिंदु, जहां प्रतिबिंब सबसे अच्छा और स्पष्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अंध बिंदु, अंध बिंदु क्यों बोले इसको, क्योंकि अंध बिंदु पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि अंध बिंदु से निकलती है दिक् तंत्रिकाएं, तो यहाँ पे तो ज्वाइंट है किसका, रेटिना का और दिक् तंत्रिकाओं का, इसलिए यहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए इसको बोलते हैं अंध बिंदु, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो द्रव भरा हुआ उसका नाम है काचा, और यहाँ जो द्रव भरा हुआ उसका नाम है नेत्रोध। तो ये थे आंख के अलग अलग भाग के कार्य, ठीक है भाई। अब बात आती है कौन सेल और रोड सेल क्या होती है। देखो जो रेटिना होती है, रेटिना में दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक होती है कौन सेल, एक होती है रोड सेल। कौन मतलब शंकु कोशिकाएं और रोड मतलब स्तंभ कोशिकाएं। तो कौन सेल का क्या क्या कार्य होती है, देखो रोड सेल और कौन सेल ये प्रकाश की ओर सेंस करती है। जो कौन सेल होती है वो लाइट को सेंस करती है, अधिक प्रकाश को या रंगों को सेंस कर सकती है। तो दिन में जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, जब प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तो उस समय कौन सी कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं, उस समय कौन सेल वो उत्तेजित हो जाएंगी और वो प्रतिबिंब को लेकर मतलब वो प्रतिबिंब को विद्युत तरंगों में बदलेंगी और भेज देगी किसके पास, दिमाग के पास। उसके बाद अगर रोड सेल कब उत्तेजित होती है, ये प्रतिबिंब बनाती है कब, जब लाइट कम होती है, मतलब या कह लो कि रात में जब प्रकाश नहीं होता तो उस समय रोड सेल कार्य करती है। रात में हमें जो कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है वो रोड सेल मतलब स्तंभ कोशिकाओं के कारण दिखाई देता है। जो रात में देखने वाले जानवर होते हैं उनकी आंखों में रोड सेल अधिक होती है, मतलब स्तंभ कोशिकाएं अधिक होती है, उनकी संख्या अधिक होती है, इसलिए वो रात को देख सकते हैं। हमारी आंख में शंकु कोशिकाएं अधिक हैं और रोड सेल मतलब स्तंभ कोशिकाएं कम है, इसलिए हम रात में कम देख पाते हैं और दिन में अच्छे से देख पाते हैं। जो रात में देख सकते हैं जैसे उल्लू है, उसकी आंख में रोड सेल या स्तंभ कोशिकाएं अधिक होती है और कौन कोशिकाएं कौन सेल कम होती है, ठीक है भाई, ये बात याद रखना। उसके बाद बात आती है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है, देखो जब यहाँ हम यहाँ खड़े हैं और दूर कोई वस्तु रखी है अनंत पे, तो नॉर्मल हम उस चीज को देख रहे हैं, हमारी आंखें देख रही है, हमारी आंखों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब हम नजदीक की वस्तु को देख रहे हैं तो तब भी हमारी आंख पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, थोड़ी आगे आएगी वस्तु तब भी हम उसको आराम से देख रहे हैं, हमारी आंखें आराम से देख पाती हैं आसानी से दूर की वस्तु को भी और नजदीक की वस्तु को भी। अब देखो मान लो कोई वस्तु रखी है दूर, ये वस्तु दूर रखी है, तो दूर से आने वाली किरणें तो ऐसे आएंगी इस प्रकार, लेकिन जो वस्तु नजदीक होगी उससे किरणें तो ऐसे आएंगी ना, इससे तो आई समानांतर और इससे आई देखो डाइवर्जिंग, ऐसे फैली हुई जो नजदीक होगी, तो किरणें जब एक समान नहीं आई तो उनको देखने का तरीका तो एक समान नहीं हो सकता, इसका मतलब है। लेकिन हम कंफर्टेबली देख रहे हैं, फिर भी आसानी से देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब तो रेटिना पे ही बना है, रेटिना पे ही प्रतिबिंब बना, तो इसलिए हमें बिना किसी प्रेशर के चीज दिखाई दे रही, आंखों पे कोई दबाव नहीं पड़ा। लेकिन वो दबाव क्यों नहीं पड़ा, उसके लिए किसी ने तो कार्य किया ही होगा, क्यों, जब प्रकाश की किरणों में अंतर है तो प्रतिबिंब को उस बिंदु पर लाने के लिए कोई ना कोई चीज तो कार्य कर ही रही होगी। अब देखो जब ये अनंत पे कोई वस्तु रखी है तो किरणें आएंगी समानांतर, अब हमारा लेंस
ऐसा होगा, बड़ा होगा उसका साइज और पतला होगा, क्यों? क्योंकि इनको तो थोड़ा कम कन्वर्ज करना है, मतलब इनको कम मोड़ना है, तो इसका कम वक्राकार होना भी चल जाएगा, मतलब ये कम गोलाई में होगा तो भी चल जाएगा, तो प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। लेकिन जब वस्तु नजदीक होगी इससे तो प्रकाश फिर ऐसे आएगी। अब ये प्रकाश अगर ये ऐसा ही होता, पतला होता तो क्या होता, तो ये इनको कम मोड़ता, अगर ये पतला होता तो वो कम कन्वर्ज करता ना, कम मिलाता किरणों को, तो ये पीछे जाके मिलती यहाँ पे ऐसे काटती, तो प्रतिबिंब पीछे बनता रेटिना के, तो वो तो दिखाई भी नहीं देता फिर हमें, तो क्या होता है? इसलिए हमारे लेंस ने क्या किया, हमारा लेंस हो गया अधिक वक्राकार। किस लिए? ताकि नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सके। आसानी से देखने का मतलब क्या है? उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन सके। तो इन प्रकाश की किरणों को आसानी से मोड़ने के लिए, रेटिना पे मोड़ने के लिए हमारा लेंस क्या करेगा, अधिक वक्राकार हो जाएगा, मतलब उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। और यहाँ पे क्या थी, फोकस दूरी अधिक थी। और ये कार्य किसने किया? ये कार्य करती है ये पक्षमाभी पेशियां। अभी मैंने बताया था कि पक्षमाभी पेशियां लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा देती हैं। किस लिए? वस्तु को आसानी से देखने के लिए। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी अधिक हो जाती है और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होने का मतलब है लेंस अधिक वक्राकार हो जाएगा। तो ये जो फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना, ये कह लो कि फोकस दूरी को समायोजित करना, इसी क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। तो लेंस द्वारा निकट या दूर की वस्तु को, या लेंस द्वारा निकट या दूर की वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है समंजन क्षमता। तो मैंने क्या बताया कि लेंस द्वारा निकट तथा दूर की वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है भाई, जैसे दूर वस्तु रखी अनंत पे, आसानी से देख रहे हैं, थोड़ी नजदीक आई तो देख रहे हैं, फिर और नजदीक आई तो देख रहे हैं, ये देखने का कार्य है। ये हम देख तो रहे हैं, लेकिन उसको आसान कौन बना रहा है? हमारा लेंस। हमारा लेंस जब हम दूर देख रहे थे तो हमारा लेंस पतला था, और नजदीक देख रहे हैं तो थोड़ा वक्राकार हुआ, और नजदीक आए तो और वक्राकार होगा, और नजदीक आई वस्तु तो थोड़ा वक्राकार होगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक दूरी ऐसी आ जाएगी कि उससे आगे हमारा लेंस वक्राकार नहीं हो पाएगा। मतलब जितना उसने वक्राकार होना था, जितना वो मोटा हो सकता था उतना हो जाएगा, उससे आगे वो नहीं हो सकता, उसकी लिमिट जितनी थी हो चुकी है। मतलब इससे आगे अगर आओगे तो हम वस्तु को देखेंगे तो, लेकिन हमारी आंखों पे दबाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे लेंस ने जितना समायोजित करना था कर लिया। तो वो दूरी कितनी है जिससे आगे हमारा लेंस समायोजित नहीं कर पाता, वो होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु है, ऐसे लेके आओगे तो 25 सेंटीमीटर तक तो हमारा जो लेंस है वो दूरी को समायोजित कर लेता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से और आगे लेके आओगे तो हमारी आंखों पे दबाव पड़ेगा, हम उस वस्तु को बिना मतलब दबाव के नहीं देख सकते। हमारी आंखों पे उस वस्तु को देखने के लिए थोड़ा बहुत दबाव जरूर पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर से आगे जो भी वस्तु देखेंगे वो कंफर्टेबली नहीं देख पाएंगे, तो उस दूरी को हम बोलते हैं निकट बिंदु। ठीक है, एक होता है दूर बिंदु, एक होता है निकट बिंदु। दूर बिंदु का मतलब, दूर बिंदु का मतलब भाई देखो, ऐसी दूरी जिस पे हम वस्तु को आसानी से देख पाए और हमारी आंखों पे कोई दबाव ना पड़े, तो वो दूरी कितनी है? वो तो अनंत है। मतलब अनंत पे रखी हुई वस्तु को हम बिना किसी दबाव के, हमारी आंखों पे कोई दबाव नहीं पड़ रहा, तब भी हम अनंत पे रखी हुई वस्तु को देख रहे हैं, तो दूर बिंदु कितना हो गया? अनंत। लेकिन नजदीक मैंने बताया, नजदीक कितनी दूरी ऐसी है जिसपे जहां तक हम कंफर्टेबली देख सकते हैं, तो वो है 25 सेंटीमीटर। तो निकट बिंदु कितना हो गया? तो नजदीक बिंदु मतलब निकट बिंदु कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना हो गया? अनंत। तो हम कह सकते हैं हमारी आंखों की रेंज कितनी है, रेंज का मतलब हमारी आंखों का प्रास कितना है, तो कितना है भाई? वो अनंत से 25 सेंटीमीटर तक की बीच की दूरी को बिना किसी दबाव के देख लेंगे। मतलब सबसे ज्यादा दूरी कितनी? अनंत। उसके बीच की सबको आसानी से देख रहे हैं और 25 सेंटीमीटर तक सभी दूरियों को, सभी चीजों को आसानी से देख लेंगे, लेकिन 25 सेंटीमीटर से आगे
हमारी आंखों पे दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो निकट बिंदु हो गया 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना हो गया अनंत। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो ये हो गया निकट बिंदु और दूर बिंदु समंजन क्षमता। तो ये था मानव नेत्र और उसके भाग, उसकी संरचना और उसके जितने भी ये पार्ट हैं उनके कौन कौन से कार्य हैं। तो पेपर में कई बार प्रश्न आता है ऐसे ही, ये पांच पार्ट लिखे होंगे और पूछ लेगा कि इनके क्या कार्य हैं। तो समंजन क्षमता मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समंजन क्षमता क्या होती है। हमारे लेंस की लेंस द्वारा अपने फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता, ताकि दूर की वस्तु को भी और पास की वस्तु को भी देख सके बिना किसी दबाव के। ये हो गया निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु हमारा कितना हो गया अनंत। ठीक है भाई, समंजन क्षमता अगर हम हमारी आंख की समंजन क्षमता पावर में मापे कि हमारी आंख की समंजन क्षमता डायोप्टर में कितनी है, तो होती है 4 डायोप्टर। मतलब हमारी आंखें 4 डायोप्टर तक अपने पावर को समायोजित कर सकती हैं। ठीक है, मतलब डायोप्टर में मापे कि दूर वस्तु रखी हुई है, फिर कितनी पावर तक बढ़ गई, फिर बढ़ गई, कितनी पावर तक समायोजित कर सकते हैं, तो 4 डायोप्टर तक हमारी आंखें समायोजित कर सकती है। मतलब समंजन क्षमता मतलब समंजन पावर कितनी है 4 डायोप्टर। तो ये था भाई मानव नेत्र और उसके भाग। इसी पाठ में आगे जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।